तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कार्तिक यादव केपीएम 2.0 पर। और भाई आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो एसीसी वुमेन्स T20 चैंपियनशिप खेली जा रही है, इसका भाई जो अगला मैच खेला जाएगा जो कि मॉर्निंग में खेला जाएगा 8:30 पर। ठीक है, तो जब भी आप वीडियो देख रहे हो ना, सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो किस टाइम बना रहा हूँ ये आप ऊपर देख सकते हो। 12:45 हो चुके हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ यार इतनी मेहनत अगर मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, है ना। अब अगर बात करें यहाँ पर मैच के बारे में, तो भाई मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नोवा मैच है। और भाई यहाँ पर है ना, ये मैच है ना, मतलब इतने ज़बरदस्त होते हैं यहाँ पर, आप अगर 100 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करोगे ना, 3 मेंबर के 2 मेंबर के, तो 100 के 100 भी आप विन कर सकते हो अगर आपकी टीम क्लिक कर गई तो। ठीक है, कुछ ऐसी डिफरेंशियल पिक मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। सबसे बड़ी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक हमारा ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, यानी कि आप विनिंग नहीं कर पाओगे। तो टेलीग्राम चैनल तो आपको ज्वाइन करना ही करना है। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में। तो भाई मैच की सारी डिटेल मैंने यहाँ पर निकाल रखे हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो मैच मॉर्निंग में 8:30 पर खेला जाएगा। वेन्यू की अगर बात करें तो वेन्यू आप यहाँ पर देख सकते हो, किनरारा अकेडमी ओवल कुआलालंपुर में मैच खेला जाएगा। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर ग्राउंड की बात करें तो यहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा लो स्कोरिंग मैचेस आजकल होने लग रहे हैं। बीच में भाई एवरेज स्कोर यहाँ पर बन जाता था 140 के आसपास, बट अब यहाँ पर भाई 100+ भी स्कोर बनाना इन मैचेस में काफ़ी मुश्किल है। इसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पर देखिए, जैसे हांगकांग वुमेन्स की टीम स्ट्रॉन्ग है बैरन वुमेन्स से, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है कि अगर मान लो बैरन वुमेन्स फर्स्ट बैटिंग करेंगे ना, तो फिर भाई आपके लिए मैच काफ़ी ईजी हो जाए, क्योंकि फिर हम हांगकांग के टॉप प्लेयर्स जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, इसके अलावा टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने के अलावा जो इनकी सारी गेंदबाज है वो हम पिक कर लेंगे और एक तरफा विनिंग हम यहाँ से करके चले जाएंगे। लेकिन वही अगर हांगकांग वुमेन्स की टीम भाई बैटिंग फर्स्ट करने आ जाती है, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाए, क्योंकि हो सकता है बैरन वुमेन्स की टीम इनको भी रन ना बनाने दे, तो उस कंडीशन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बट सारी सिनेरियो की मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। इस मैच में अगर आप एक पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए वर्थ करेगी, आपको इतना तो जरूर नॉलेज मिलेगा यहाँ से कि आप लॉस नहीं करवाने वाले। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं आगे मैच के बारे में। तो यहाँ पर टेलीग्राम के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया या पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं अगर बात करें पिच रिपोर्ट की, तो बैलेंस विकेट स्लाइटली एडवांटेज रहेगा यहाँ पर गेंदबाजों के लिए। ये मैं आपको ऑलरेडी ऊपर भी बता चुका हूँ अभी अभी कि यहाँ पर गेंदबाज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मजबूत दिख रहे हैं। इसके अलावा एवरेज स्कोर की बात करें, तो भाई स्टार्टिंग में मेरे को लगा था कि 130 के आसपास का स्कोर बन जाएगा, सिर्फ एक ही मैच हुआ है जिसमें भाई यहाँ पर 170 के आसपास का स्कोर बना था, 160 के आसपास का, वो भी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा किस टीम ने बनाया था, इसी टूर्नामेंट की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, बट अब आप यहाँ पर स्कोर मान सकते हो कि 80 से 100 के बीच में आपको स्कोर देखने को मिलेगा। वेदर की अगर बात करें, तो वेदर भाई क्लाउडी रहेगा, बारिश के चांसेज है, यानी कि बारिश आ सकती है। तो ये एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना, अगर वेदर क्लाउडी रहेगा तो भाई हम इस मैच में काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर हम इस मैच को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें हांगकांग वुमेन्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कैरी चैन, टीम के कैप्टन, 24 मैच 32 विकेट 365 रन, बेस्ट प्लेयर है, और इवन बाई सीवीसी की सबसे अच्छी ऑप्शन भी आपके लिए रहेगी, तो आप इसे सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो। वहीं अगर बात करें यहां पर यस्मिन दसवानी की, तो 20 मैच में 235 रन, अगेन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बैटिंग पर्पज से इंपॉर्टेंट रहेंगे, जरूर से आप इसे ट्राई कीजिएगा। एलिसन सीयू की बात करें, तो भाई इनके स्टैट्स हमें यहां से मिले नहीं। वहीं अगर बात करें बैटी चैन, अगेन एक बेहतरीन ऑलराउंडर, बैटिंग से परफॉर्मेंस दे सकते, साथ ही बॉलिंग तो 4 ओवर की कंप्लीट करती नजर आएगी। इसके अलावा भाई बात करें बेला पून की, तो इनको आप जेल मिनी जेल में ट्राई कीजिएगा, 13 मैच में 71 रन, बॉलिंग करवा नहीं रही है, ये चीज़ ध्यान रखना है। एलिसा हबार्ड की बात करें, तो 5 मैच में 9 विकेट, गजब के प्लेयर है, +52 रन भी है, इंपॉर्टेंट रहेगी हर हाल में। MLI की बात करेंगे, अगेन मैं आपको बोलूँगा सिर्फ GL मिनी GL में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में ड्रॉप कीजिएगा। इकरा शहर की बात करें, तो भाई यहाँ पर देखिए जो इनका नेशनल, अपनी नेशनल टीम के लिए रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा आपको नहीं दिख रहा होगा, 7 मैच में सिर्फ 4 विकेट, लेकिन जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हैं वहाँ पर भाई ये अपना सिक्का जमा चुके और बहुत ही बेहतरीन मतलब गेंदबाजी करने के लिए जानी जाती है। अगर भाई इनकी गेंदबाजी वैसी ही चलती तो भाई एक तरफा आपको विनिंग करवाएंगी, मेरे हिसाब से आपके लिए ट्रंप कार्ड प्लेयर रहेंगे और आपकी टीम में जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा भाई लेमोन च्योंग की
बात करें तो इनके भी स्टैट्स हमें नहीं मिले। मार्को हिल आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर रही, 24 बॉल में 376 रन और 13 विकेट है। इसके अलावा बात करें मारियम बीबी की तो 12 मैच में सिर्फ 3 विकेट है। जेल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, स्मॉल लीग में आप इसे ईजिली ड्रॉप करके चल सकते हो। वहीं अगर बात करें बैरन की टीम की तो यहाँ पर देखिए इनके जो प्लेयर्स के स्टैट्स मेरे को नहीं मिले, अगर मिलेंगे तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। थरंगा गजनायक टीम की कैप्टन है। वहीं अगर बात करें इशारा सोहून खेलते दिखेंगे, मैं आपको प्लेइंग 11 बता रहा हूँ, ठीक है। दीपिका रसनिंगिका की बात करें तो ये भी आपको खेलते दिखेंगे। इसके अलावा दीपिका भास्करा आपको खेलते दिखेंगे। जो ज्ञानी फर्नांडो है ये भी आपको खेलते दिखेंगे। रसिका दुरागे की बात करें तो ये आपको विकेट कीपिंग करते दिखेंगे। पवित्रा शेट्टी आपको दिखेंगे। इसके अलावा नीचे भी आप देख सकते हो जो जो यहाँ पर प्लेयर खेलने वाली है उन सभी के मतलब नाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। हालांकि देखिए इनके स्टैट्स मेरे को नहीं मिले हैं, बाकी कोशिश मैं कर रहा हूँ पूरी। अगर मेरे को मॉर्निंग तक स्टैट्स मिलते तो फिर तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। स्टैट्स नहीं भी मिलते तो भाई यहाँ पर हम हांगकांग वुमेन्स की टीम के फेवर में टीम बनाने वाले हैं। स्टैट्स मिल भी जाते हैं तो ये आप कन्फर्म मानिए कि आपको 7-4 का रेशियो रखना है हांगकांग वुमेन्स टीम की तरफ, और अगर आप ये करते हो तो इजीली भाई आप इस मैच में काफ़ी बेहतरीन विनिंग करने वाले हो। बात करेंगे डेमो टीम की, जिस टीम के साथ आप अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रख सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसी वीडियो के जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। बात करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन की तो वाई दसवानी हमारी टीम में 100% इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा यहाँ से अगर बात करें तो एन माइल्स को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहो तो। इसके अलावा पी जगदीशा आई सुहून आपकी टीम में 100% इंपॉर्टेंट रहेंगी। वहीं अगर बात करें यहाँ पर अगर आप चाहो तो एम एल आई को ट्राई कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे ना ही ट्राई करो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि इनके स्टैट्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाए 12 मैच में सिर्फ 34 रन है। जेल में ट्राई कीजिएगा, है ना। अब अगर बात करें यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में मार्को हिल 100% आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आर हेरात को आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा भाई बॉलिंग सेक्शन में चलेंगे यहाँ पर भाई अगर बात करें तो कैरी चैन आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट रहेंगे। इवन कैप्टनसी की बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे, बैटी चैन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इकरा शहर को आप ट्राई कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, बट अभी के लिए मैं ऐसे मारियम बीबी और इकरा शहर दोनों में से किसी एक को ट्राई करना, मैं अभी के लिए इकरा शहर के साथ जाऊँगा। बाकी अगर आप चाहो तो मारियम बीबी को भी ट्राई कर सकते हो। और देखिए यहाँ से आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं तो आप यहाँ से देखिए यहाँ से अगर बॉलिंग की बात करें तो आप यहाँ से जो शशिकला प्रकाश है इनको आप ट्राई कर सकते हो बैरिन वुमेन्स की तरफ से। यहाँ से मारियम बीबी को मैं ट्राई कर रहा हूँ हांगकांग की तरफ से। तो मेरी टीम है वो कुछ इस प्रकार की रहेगी। सीवीसी की बात करें तो नो डाउट भाई यहाँ पर कैप्टनसी के लिए मेरी जो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे वो ऐसे रहेंगे भाई कैरी चैन। वीसी की अगर बात करें तो मार्को हिल के साथ अभी के लिए मैं जाऊँगा। बाकी अगर आप चाहो तो आपके लिए यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर मैं मार्क कर देता हूँ, वाई दसवानी टॉप ऑर्डर बैटिंग करेंगे। अगर लंबा खेल जाते हैं फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो इसे जीएल में कैप्टनसी जरूर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो भाई बैटी चैन भी आपके लिए बेहतरीन प्लेयर रहेंगे, इनको भी आप सीवीसी के तौर पर जरूर से ट्राई कर सकते हो। टीम के अगर प्रीव्यू की बात करें तो सीवीसी बनाने के बाद टीम कुछ इस प्रकार की रहेगी, और इस टीम को अभी आप सेव कर लीजिए सभी प्लेटफॉर्म पर जहाँ भी आप खेल रहे हो। मैं कहाँ पर खेलता हूँ उनके बारे में अगर आपको जानना है तो उन सभी एप्लीकेशन के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। जिन भी एप्लीकेशन के मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं आप वहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन पर खेल सकते हो। ड्रीम इलेवन से काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेज वहाँ पर विनिंग के आपके रहने वाले हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मॉर्निंग में जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी उसकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देने वाला हूँ। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।